इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग यानी जावास्क्रिप्ट में हम लोग देख रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशन प्रीवियस क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग इवेंट हैंडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि इवेंट्स क्या होता है। इवेंट एक प्रकार का एक्शन होता है, इवेंट एक प्रकार का एक्शन होता है जो जीवाई कंपोनेंट्स के थ्रू क्या होता है, जनरेट होता है। जीवाई कंपोनेंट पे क्या होता है, फायर होता है। ठीक है, जीवाई कंपोनेंट कहने का मतलब रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स, बटन, जैसे फॉर्म, बॉडी टैग, ये सब। तो इवेंट क्या है, इवेंट इज एक्शन विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ जीवाई कंपोनेंट्स सच एज टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, जैसे सपोज तुम देखते हो कि अभी तक दो इवेंट तुम यूज किए हो, एक ऑन क्लिक इवेंट यूज किए हो बटन पे। ऑन क्लिक यहाँ पर क्या है, इवेंट है। जैसे ही क्लिक पे क्लिक कर जैसे ही बटन पे क्लिक करते हो तो वहां ऑन क्लिक इवेंट काम करता है। ठीक है, और जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम ऑपरेशन को क्या करते हो, परफॉर्म करते हो, राइट। एक आपने ऑन सबमिट, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपने देखा था वैलिडेशन में मैंने कॉल किया था। जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होता है तो वहां पे एक ऑन सबमिट बटन, ऑन सबमिट इवेंट काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारा इवेंट है। माउस से रिलेटेड इवेंट है, जब माउस को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, माउस को अप करेंगे तो क्या होगा, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस आउट की इवेंट है, जो ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ठीक है, बहुत सारा इवेंट है। तो आज के क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे आप पीडीएफ में भी देख लो। ये देखो, ये सब तुम्हारा इवेंट है। ठीक है, देखो जो मैंने बताया इवेंट्स, इवेंट्स क्या होता है। इवेंट इज एन एक्शन विच इज जनरेटेड बाय एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट्स एज बटन, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, इटीसी। देर आर सम इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन डीवीएल क्लिक, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ये सब है ना। ये सब सारा क्या है, इवेंट्स है। एक एक करके हम लोग ये सारे इवेंट्स को क्या करेंगे, देखेंगे, राइट। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुम लोग कल तो बनाकर कोई नहीं भेजा बैच टू का, कितना अच्छा फॉर्म डिजाइन करके भेज रहा है बच्चा लोग पीएचपी में। ठीक है, इतना अच्छा लॉगिन फॉर्म बनाकर मनीष कुमार ने भेजा है, प्रिंस कुमार ने भेजा है, और लेकिन तुम्हारे ग्रुप में B1 से कोई रिस्पांस नहीं आया है। फाइल न्यू, सबसे पहले सेव कर लेता हूं मैं, चलता हूं मैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में हम लोग यहाँ पे इमेज ऑनलाइन, AKU 5, AKU batch 1,
जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैंने इवेंट दे दिया, इवेंट डॉट एच टी एम एल, राइट, एच टी एम एल ठीक है, इवेंट्स सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जैसे ही वेब पेज रन करे, बॉडी टैग से रिलेटेड मैं इवेंट अभी बता रहा हूं, बॉडी टैग से रिलेटेड ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट में, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ध्यान दो, हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को मैंने क्या कर दिया क्लोज, राइट, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ठीक है, फंक्शन में दे दिया यहां पे ठीक है, फंक्शन में मैं यहां पे दे देता हूं शो नाम का एक फंक्शन बना रहा हूं, राइट, और यहां पे इसको एक मैसेज दे दिया अलर्ट ठीक है, वेलकम टू ऑनलोड इवेंट, वेलकम टू ऑनलोड इवेंट, तो बड़ी टैग के साथ एक इवेंट यहां पे है ऑनलोड, एक इवेंट का नाम है ऑनलोड इवेंट, क्या कहता है कि जैसे ही आपका पेज लोड होगा, जैसे ही पेज लोड होगा, जैसे ही एग्जीक्यूट कराओगे ठीक है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए वेलकम टू ऑनलोड इवेंट डायलॉग बॉक्स में, तो ऑनलोड पे किस फंक्शन को कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन तुम बनाए हो, शो फंक्शन ठीक है, शो फंक्शन को मैंने क्या कर लिया कॉल कर लिया, यानी जैसे ही बॉडी तुम्हारा रन करेगा, इस चीज को यहां पर लिखना है कंट्रोल एक्स यहां करो, ये बॉडी के साथ क्लोजिंग के साथ लिख दिए थे ठीक है, ये बॉडी टैग का, ये बॉडी टैग का मैं इवेंट बता रहा हूं ठीक है, चलो तो ऑन लोड इवेंट क्या कहता है, जैसे ही वेब पेज एग्जीक्यूट करेगा ठीक है, इवेंट क्या होगा फायर करेगा, तो शो फंक्शन में मैंने क्या लिखा है वेलकम टू ऑन लोड इवेंट, और मैं चाहता हूं कि कलर भी चेंज हो जाए, तो कलर चेंज करने के लिए क्या होता है, वेब पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं, बताओ कोई जावास्क्रिप्ट में क्या लिखे, सर फिर से बोलिए क्या बोले, वेब पेज का कलर चेंज करना है जावास्क्रिप्ट में क्या लिखे, वेब पेज का डॉक्यूमेंट डॉट क्या जी, तुम लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो क्या जी, गजब हाल है, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, अच्छा हाँ यस सर, डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू ठीक है, मान लो कि मैंने दे दिया लाइम, कलर नेम दे दिया ठीक है, अब जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओ और एग्जीक्यूट कराओ, तो चलते हैं हम सबसे पहले, ये प्रोग्राम तुम्हारा है डेस्कटॉप पे सीमेज ऑनलाइन, AKU बैच वन जावास्क्रिप्ट इवेंट, आया वेलकम टू ऑनलोड इवेंट,
वेलकम टू ऑनलोड इवेंट, यही लिखे थे ना? ओके, कलर भी तुम्हारा चेंज हो गया। रन टाइम, तो ये कब हो रहा है? जब पेज हमारा लोड हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऑनलोड इवेंट, राइट? चलो, अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरा इवेंट लिख रहा हूं, वो चीज देखो। ऑनलोड इवेंट हो गया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे ऑनलोड इवेंट। अब यहाँ पे ऑन रिसाइज एक होता है, ऑन रिसाइज। देखो यहाँ पे ऑनलोड को मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ऑनलोड याद रहेगा, अब इसी में मॉडिफाई कर दें। यस सर, कर दीजिए। ऑन रिसाइज, एक ऑन रिसाइज इवेंट होता है। जब वेब पेज को तुम रिसाइज करोगे तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब तुम रिसाइज करोगे तो वेलकम टू रिसाइज इवेंट, ऑन रिसाइज इवेंट, रन कराओ। जब विंडो को क्या करोगे, वेब पेज को रिसाइज करोगे, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। रन कराओ। रिसाइज क्या? रिसाइज मतलब उसके साइज को चेंज करना। देखो ना, हम बता रहे हैं जी, जैसे मान लो कि अभी ये है, इसको मैं सपोज रीस्टोर करता हूं, एक मिनट। Minimize. वेब पेज के साइज को कम करना है, कहां से होता है जी? रीस्टोर यहीं से ना जी? फुल साइज है। तो और इसको हम कम करना चाहते हैं, कहां से होगा सर? कर्सर से करना पड़ेगा। फिर क्लिक कीजिए सर, सबसे पहले क्लिक कीजिए सर, डायलॉग बॉक्स के एज से कर्सर से पकड़ के कर लीजिए, है ना? अरे यहाँ से सिंपल तो है जी सर, पर कॉल भी घुमाइए ना सर। देखो यहाँ रिसाइज कर रहे हैं ना, अब पहले रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश किया, वो अभी रिफ्रेश नहीं किए थे, अब रिसाइज करो। देखो रिसाइज कर रहे हैं, देखो आ गया वेलकम टू ऑन रिसाइज इवेंट। यस सर। ओके, अब देखो फिर रिसाइज करो, फिर रिसाइज कर रहे हैं, ध्यान देना माउस से। आ गया वेलकम टू ऑन रिसाइज इवेंट। यस सर। ये होता है ऑन रिसाइज, यानी हम विंडो को क्या कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं। विंडो को क्या कर रहे हैं, रिसाइज कर रहे हैं। फिर देखो आ गया, ये होता है रिसाइज। अब मिनिमाइज पे देख लो ना, मिनिमाइज पे नहीं, रिसाइज कहने का मतलब कि उसको रिसाइज करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग रहेगा ही, रिकॉर्डिंग तुम लोग देखते हो, जिसको प्रॉब्लम, तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। अब एक दिन हम पूछते हैं कौन क्या जानते हो, तुम लोग को हर दिन मोटिवेट करना पड़ेगा, क्या तुम लोग जानते हो, कुछ नहीं जानते हो। हमको तो लगता है कि कुछ नहीं जानते हो, ये अगर दिमाग में ये बन गया होगा कि हम बहुत जानते हैं, तब तो पढ़ लिया। अभी अभी तुमको मेहनत करना है, मेहनत कुछ कर ही नहीं रहे हो। हम तभी जानेंगे जब कुछ परफॉर्म करोगे। हम कैसे जानेंगे कि राहुल बर्णवाल जानता है, हम कैसे जानेंगे कि शुभम जानता है, अभिमन्यु जानता है, जब तक आपका कुछ आउटपुट नहीं दिखाई देगा। आप लोग बना के नहीं भेज रहे हैं, हम जिस प्रोग्रामिंग पेपर से पूछेंगे क्वेश्चन नहीं आएगा तुमको, तो लगेगा कि हम कुछ नहीं जानते हैं। ये जान जाओ, ये नहीं कि थोड़ा सा तुम जानते हो, ये दिमाग में तो लगना ही नहीं चाहिए कि तुम बहुत जानते हो।
जावा तुम जानते हो, जावा का स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में तुमको डेटा टाइप में प्रॉब्लम होगा, ऑपरेटर में तुमको प्रॉब्लम होगा। ये मत सोचो कि तुम जावा पढ़ रहे हो या अदर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो बहुत जान गए, जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत जान गए, पीएचपी कर रहे हैं तो बहुत जान गए। जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी मैं जावा के डेटा टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछ दूं तो मे बी किसी को नहीं आएगा, तो आपको कमी है उस चीज को, तो मेहनत करोगे तब ना। और एक सप्ताह टाइम दिए हैं बाबू, मंडे को हम रिपोर्ट लेंगे क्या क्या प्रोजेक्ट में तुम लोग किए हो क्या नहीं, तुम लोग सोचो, नहीं तो डांट सुनोगे। ऑन रिसाइज हो गया, ठीक है, ऑन रिसाइज समझ गए। अब यहां पर ऑन स्क्रॉल एक होता है, ऑन स्क्रॉल, जब वेब पेज को स्क्रॉल करोगे तो उस समय कुछ ये होगा, देखो ऑन स्क्रॉल, ऑन स्क्रॉल, यहां पे मैं दे दिया ऑन स्क्रॉल इवेंट, राइट। चलो सेव कर दिए, रन कराओ, कुछ लिखोगे तब ना, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग वेब पेज से बाहर कुछ आ जाएगा तब। तो मैं यहां पर दे देता हूं, लिख देता हूं वेलकम टू इवेंट्स, राइट। और यहां पे दे देते हैं बीआर टैग, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। स्क्रॉलिंग तभी होगा ना जब वेब पेज का टेक्स्ट वेब पेज से बाहर हो जाएगा, राइट। यस सर, केवल यस सर से काम थोड़ी चलेगा जी, यस सर करने से कुछ हम खुश नहीं है, तुम लोग के परफॉर्मेंस से हम खुश नहीं है। बस उसी समय थोड़ा सा लगा था, लगा कि नहीं बच्चा क्रिएटिव है, बस वो डिजाइनिंग तक ही सीमित था, लॉजिकल तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हो। माइंड को जो क्रिएटिव होना चाहिए वो डिजाइनिंग तो कोई भी कर देगा, वो तो टूल्स अवेलेबल है, डिजाइन कर दिए, कुछ बनाओ। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, कुछ बनाओ, कुछ दिखाओ, मतलब हम जितना पढ़ाए तो उतना भी तो नहीं कर रहे हो, जितना बता रहे हैं उतना भी करके कुछ बताता, ठीक है तो सही था। कल मैंने बैच टू बैच वन दोनों में बोला, बैच टू का बच्चा दो ही रिस्पॉन्स दिया, लेकिन दिया बहुत अच्छा डिजाइन किया था। कल उन लोग को साइन अप फॉर्म बताए थे, तुम लोग को एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन बताए थे, रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो स्क्रॉल कर रहे हैं यहां पे, देखो स्क्रॉल किए, आ गया वेलकम टू ऑन स्क्रॉल इवेंट, आ गया। फिर अब जैसे ही स्क्रॉल पे जाओगे तो ये आ गया, स्क्रॉल का मतलब वही होता है, ठीक है। जब तुम स्क्रॉलिंग करोगे माउस से बढ़ रहा है, ये है तुम्हारा स्क्रॉल, ठीक है, राइट। एरो साइन से भी तू आओगे, एरो साइन से भी स्क्रॉल करो, देखो तो डायलॉग बॉक्स है, तो ओके पर जब तक क्लिक नहीं करोगे ऐसा, मैं तो बता रहा हूं कि कब फायर करता है वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो तीन इवेंट आपने जाना, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ऑन क्लिक इवेंट तो तुम जानते ही हो, ऑन क्लिक बताने का कोई जरूरत नहीं है, ऑन क्लिक बताने का कोई जरूरत नहीं है, बटन पे ऑन क्लिक पे आपने बहुत सारे फंक्शन को कॉल किया है। अब मैं बताता हूं डबल क्लिक, ऑन डीवीएल क्लिक, तो बॉडी पे वो काम नहीं करेगा, तो काम कहां करेगा, अभी इस चीज को मैं हटाता हूं, अब मैं यहां पे
कोई बटन बना देता हूं, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। और यहां पे इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन डीबीएल क्लिक। फंक्शन का नाम सो फंक्शन को मैंने कॉल किया। सर किसी एक बटन पे डबल क्लिक और ऑन क्लिक दोनों काम कर सकता है? नहीं। हाँ क्यों नहीं काम कर सकता है, चेक। ऑन डीबीएल क्लिक, डबल क्लिक लगातार करोगे, रुक रुक कर थोड़ी क्लिक होता है। डबल क्लिक जैसे करते हैं, कैसे किसी फाइल फोल्डर पे डबल क्लिक, लगातार ऑर्डर में ही ना, इंटरवल नहीं ना होना चाहिए। कंटिन्यूअस ऑर्डर में डबल क्लिक करोगे तब वो डबल क्लिक होगा, और इंटरवल लेकर करोगे तब तो वो सिंगल क्लिक हो गया। आया बात समझ में? यस सर। वैल्यू इक्वल टू तो वैल्यू दे दो, वैल्यू में मैंने यहां पर दे दिया 100 बटन। नहीं मेहनत करोगे हम सो जाएंगे, ये जान लो। बहुत कुछ बताने वाले नहीं है, आगे बहुत पढ़ना है बाबू। अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना है तो तुमको प्रिपेयर होना चाहिए। तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो हम हर चीज को लिमिट कर देंगे, हर चीज को लिमिट कर देंगे, ये जान लो। कोई भी बैच चलता है जो ये स्टूडेंट एक्टिव होता है, और मैं मानता हूं कि किसी बैच में सभी स्टूडेंट एक्टिव नहीं होते हैं। अगर 10 स्टूडेंट है तो 10 स्टूडेंट पे ही सारा स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि आगे टीचर से जो रियलिटी है वो चीज मैं तुम लोग के पास रख रहा हूं। अगर मैं मानता हूं कि इस बैच में 10 स्टूडेंट एक्टिव है तो उसी पे सारे स्टूडेंट का कितना तुम टीचर से लेना चाहते हो उसी पे डिपेंड करेगा। और 10 फिर सो गया तब सो गया, चलते रहो। सिलेबस कंप्लीट करना कौन भारी बात है, एग्जाम पास करना कौन भारी बात है, डिग्री हाथ में लेना कौन सा भारी, मतलब तुम लाइफ का बाजी चैलेंज जीत गया। और ये सब नहीं करोगे तो क्लास में सुनते रहोगे, सुनते रहो। अब तो ऑफलाइन है ही नहीं क्लास, ऑफलाइन में तो डांट सुनोगे, पिटा भी जाओगे कभी कभी अगर वर्कआउट नहीं करोगे तो। अब इंतजार करो ऑनलाइन कब होता है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, डीबीएल क्लिक सो फंक्शन। तो वैल्यू मैंने अब इसको रन करा रहा हूं, इसको कंट्रोल एस रिफ्रेश, ठीक है। सो बटन पे क्लिक किए, एक क्लिक किए कुछ काम हुआ नहीं, डबल क्लिक हुआ, वेलकम टू डबल क्लिक इवेंट। यस सर। तो यस सर केवल करने से काम नहीं चलेगा राहुल बर्नवाल, मेहनत करो। ओके सर, ठीक है। डबल क्लिक हो गया, ये भी जान गया। ऑन सबमिट ऑलरेडी तुम जान ही रहे हो, मैंने वैलिडेशन में बताया था। और सबमिट बटन जब यूज किया था तो वहां पे फॉर्म का एक इवेंट होता है ऑन सबमिट, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करते हैं तो, ठीक है चलो। और ऑन क्लिक तो जानते ही हो, डबल क्लिक हो गया। अब आगे मैं बढ़ता हूं। हाँ अब आते हैं हम ऑन चेंज इवेंट। हम चाहते हैं कि कॉम्बो बॉक्स से जो भी एलिमेंट सेलेक्ट करे, जैसे ही एलिमेंट सेलेक्ट करे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। जैसे ही एलिमेंट सेलेक्ट करें ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए।
अगर कॉम्बो बॉक्स से गूगल सेलेक्ट करते हैं तो गूगल ओपन हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि गूगल सेलेक्ट कर लिए अब अदर दूसरा बटन पे क्लिक करे तब ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, नहीं। मैं चाहता हूं कि कॉम्बो बॉक्स से जैसे ही किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाना चाहिए। अगर कॉम्बो बॉक्स में कलर को सिलेक्ट किए रेड सिलेक्ट करेंगे और वेब पेज का बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, ग्रीन सिलेक्ट करेंगे ग्रीन हो जाएगा, या गूगल सिलेक्ट किए तो गूगल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कॉम्बो बॉक्स पे ऑन चेंज इवेंट काम करता है, ठीक है। चलो उसको भी बता रहे हैं, ध्यान दो। बीआर सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू क्या देते हैं, लिंक, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू गूगल, गूगल ऑप्शन को क्लोज भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कॉपी कर लो कंट्रोल सी, कंट्रोल भी इतना ही रखते हैं। ट्विटर, हम लोग पढ़ते थे तो आंख खराब हो जाता था, इतना लैपटॉप पे बैठे रहते थे, चश्मा यूज करना पड़ता था, सोचो कितना मेहनत किए होंगे पढ़ते समय, भगवान करे आंख तुम्हारा खराब ना हो, हमेशा स्वस्थ रहे, लेकिन पढ़ाई करो। 24 घंटा में कम से कम 12 घंटा पढ़ो, आधा समय तो दे सकते हो पढ़ाई पे, 12 घंटा। फेसबुक, एक घंटा भी अगर इस पे मेहनत करेंगे शेड्यूल के अनुसार तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई चीज, कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो रेगुलर वे में पढ़ो, जावा एक घंटा पढ़ेंगे, पीएचपी एक घंटा पढ़ेंगे, जितना पेपर चल रहा है उतना एक घंटा पढ़ो सब रूटीन से। ट्विटर हो गया, सेलेक्ट को क्लोज करो। सेलेक्ट ये आ गया। अब तुम जानते हो कि कॉम्बो बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं, फंक्शन बनाओ, सो फंक्शन ही बना लेते हैं इसी में अलग से। चलो भैर माई लिंक, माई लिंक इक्वल टू ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्या लिखे, आईडी नेम क्या दिए थे, लिंक वैल्यू, राइट। अब तुम चाहते क्या हो, इस चीज को दो लाइन को हटा दो, पहले वाला फंक्शन का कोडिंग। मैं चाहता हूं कि गूगल सिलेक्ट हो तो गूगल ओपन होना चाहिए, गूगल कैसे रिडायरेक्ट होगा इफ में, जल्दी सोच के बोलो। कोई भी पेज कैसे ओपन होता है जावास्क्रिप्ट में, किसी पेज को हाउ डू यू रिडायरेक्ट वेब पेज या लिंक इन जावास्क्रिप्ट, बताओ। गूगल, अगर गूगल सिलेक्ट हो तो गूगल ओपन होना चाहिए, क्या लिखे,
पढ़ेगा तब ना बताएगा जी, पढ़ेगा सर विंडो डॉट लोकेशन सर। वेरी गुड, विंडो डॉट लोकेशन। और यूआरएल तुम जानते हो कैसे लिखते हैं, एचटीटीपी कॉलन साइन www google.com हो गया। और इसमें क्या करना है, एल्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी गूगल, और क्या था, ट्विटर, राइट। ट्विटर ठीक है, एल्स गूगल के बाद याहू, yahoo.com ठीक है। एल्स कंट्रोल वी फेसबुक, ठीक है। फेसबुक राइट, अब कॉल कर लो, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज फंक्शन का नाम क्या है, शो फंक्शन राइट, रन कराओ कंट्रोल एस। रिफ्रेश गूगल ट्विटर, खुल गया ट्विटर, बैक जाओ, याहू। तो जैसे ही सेलेक्ट कर रहे हैं ऑपरेशन क्या हो जा रहा है, परफॉर्म हो जा रहा है राइट। चलिए तो आज भर इतना ही, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं अटेंडेंस बनाता हूं।